सबने सुना होगा पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स, इसमें फर्क क्या होता है? पॉलिटिक, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स। पॉलिटी इज नथिंग बट अ सोसाइटी विद ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ठीक है? सोसाइटी जो एक ऑर्गेनाइज वे में चल रही है, दैट इज अ पॉलिटी। पॉलिटिक्स राजनीति, सभी को पता है ना, गेम ऑफ पावर, ठीक है? हर किसी को पावर चाहिए, पावर की जद्दोजहद है ना, दैट इज पॉलिटिक्स। और जब हम इसे स्टडी करते हैं, इट इज पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स इज रिलेटेड टू सिटीजन्स। जब हम पॉलिटी या पॉलिटिक्स को सिटीजन्स के परस्पेक्टिव से देखते हैं, देन इट इज सिविक्स। ओके, अब एक कंट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? लीगल फ्रेमवर्क चाहिए ना, लीगल फ्रेमवर्क चाहिए किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज संविधान। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें किसी भी चीज की, लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशियरी की, वर्किंग कैसे होगी, फंक्शनिंग कैसे होगी, है ना, ये सब किसमें लिखा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? वी हैव आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, राइट? ओके, ये देखो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव इज लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज पार्लियामेंट इन सेंटर एंड विधानसभा इन स्टेट्स। एग्जीक्यूटिव इज, एग्जीक्यूटिव बॉडी विच एग्जीक्यूट्स लॉ या इंप्लीमेंट्स लॉ, दैट इज एग्जीक्यूटिव, जिसमें आएंगे प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जुडिशरी, जुडिशरी क्या करेगी? एडजुडिकेशन एंड जस्टिस प्रोवाइड करेगी, राइट? जस्टिस प्रोवाइड करेगी ऑन पेपर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, सेकेंड लेंथीएस्ट, ठीक है? कंट्री वाइज फर्स्ट, कंट्री वाइज फर्स्ट अल्बेनिया, अल्बेनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टेट और स्टेट इन यूएस, ठीक है? कंट्री वाइज देखेंगे तो इंडिया फर्स्ट, ओवरऑल देखेंगे तो सेकेंड। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? हमें सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स आए थे, राइट? ब्रिटिशर्स केम इन 1600, फिर उन्होंने दोबारा अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया, धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए। अब इस ब्रिटिश रूल में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट इज कंपनी रूल एंड सेकेंड इज क्राउन रूल। कंपनी रूल मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल इस्टेब्लिश करती है और वो रूल करती है, ठीक है? सेकेंड इज क्राउन रूल, जब ब्रिटिश क्राउन यानी मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ वो अपना रूल इस्टेब्लिश करेगी इंडिया में। इस तरह इवोल्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का। फर्स्ट इज कंपनी रूल, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1773 टू 1858, 1858। डिफरेंट एक्ट आते हैं, डिफरेंट एक्ट्स बाय विच ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्स ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि क्या होता है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ट्रेडिंग करती है, तो बीच में बहुत ज्यादा करप्शन होने लगता है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं इंडिया में तो आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिमाग टन लगता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, ये पैसा गायब कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट एक्ट्स लेके आते हैं टू रेगुलेट कंपनी। फर्स्ट एक्ट वॉज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? इट वॉज फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल, ठीक है? एंड इट रिकॉग्नाइज फॉर फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी, ओके? और क्या था इसमें वेरी इंपॉर्टेंट? इट डेजिनेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट कौन था? लॉर्ड बैरन हास्टिंग्स, बैरन हास्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल ही सब ब्रिटिश इंडिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था, सबसे फर्टाइल और सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे था, ठीक है? बंगाल। इट मेड गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? यानी सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई, सेंट्रलाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें थे एक चीफ जस्टिस प्लस थ्री जजेस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट जीजी यानी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए कमर्शियल अफेयर्स के लिए, कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है? नेक्स्ट एक्ट वॉज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट। अब जो चीजें 1773 में रह गई वो 1781 में आती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या है? जो गवर्नर जनरल है प्लस 4 मेंबर्स काउंसिल,
जो ऊपर देखी हमने ये वाली, इट वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट इन पे कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स, ठीक है, ये देखेगा। इट एम्पावर जी जी प्लस काउंसिल टू फॉर्म रेगुलेशन। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या था, इसमें फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया, कौन कौन से, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। एंड इट मेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई बॉडी बना दी जो कंट्रोल करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे आता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यहाँ पे कंपनी की टेरिटरीज को फर्स्ट टाइम बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस, राइट। नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1786, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, कॉर्नवालिस के लिए सारा स्पेशल बनाया गया है। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट। अब सीरीज में चार्टर एक्ट आते हैं 20-20 साल के बाद, 93, 13, 33, 53, ठीक है। इसमें क्या था, कौन वॉलिस को ओवर राइडिंग पावर्स दे दी अपनी काउंसिल के लिए, काउंसिल के ऊपर उसकी जो डिसीजन हैं वो ओवर राइड करेंगे उसके काउंसिल के डिसीजन को, ठीक है। और इसमें ट्रेड मोनोपोली कंपनी को मिल गई फॉर 20 ईयर्स, ट्रेड मोनोपोली, यानी और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी इंडिया में, सिर्फ ईआईसी करेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल, इसको अलग कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उन्हें पे किया जाएगा आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, यानी इंडियन पैसे से उनकी सैलरी जाएंगी। अभी तक नहीं होता था, अभी होगा। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जैसे कि मैंने बताया 20 ईयर्स का गैप, 93, नेक्स्ट इज 13। इट अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली, अब जो 20 साल के लिए मोनोपोली मिली थी वो खत्म हो गई, अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट इन टू थिंग्स, ट्रेड इन टी, चाय एंड ट्रेड विद चाइना, चाइना। इट असर्टेड सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, किसमें, 13 में, क्रिश्चियन मिशनरीज, एंड ऑल्सो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश, इंग्लिश पे काफी जोर दिया गया इन 1813, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इट वॉज फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट वाले से ना, 1773 से स्टार्ट हुआ था, व्हेन दे मेड गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे सबॉर्डिनेट टू बंगाल, ओके। एंड इट मेड जीजी ऑफ बंगाल, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर्स, यानी जो थोड़ी बहुत पावर्स बची हुई थी दे टुक अवे, ठीक है। इसमें क्या है, इससे पहले जो भी लॉज आए हैं उनमें जो भी प्रोविजंस हैं दे आर कॉल्ड रेगुलेशंस, और इस लॉ में जो भी प्रोविजंस हैं दे आर कॉल्ड एक्ट्स, ठीक है। एंड इट एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईआईसी, खत्म होगी ट्रेड मोनोपोली, खत्म। लास्ट चार्टर एक्ट इज 1853, 1853। इसमें क्या है, इट सेपरेटेड फॉर फर्स्ट टाइम देयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लॉ मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। एंड इट एस्टैब्लिश्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज मिनी पार्लियामेंट। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल किसमें आती है, 53 में आती है। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, अब इंडियन भी दे सकते हैं, अभी तक अलाउड नहीं था, ठीक है। एंड हु वॉज फर्स्ट, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। सिन्हा सर, सिन्हा। मकौले कमेटी बनाएगी किस लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। इट एंडेड कंपनीज रूल, इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सिन्हा सिन्हा सिन्हा, ठीक है, नॉट टैगोर, सत्येंद्र, थैंक यू हिमांशु। इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अभी तक लोकल बंदे नहीं थे, अभी आने शुरू हो गए, किसमें, 1853 में। 6 मेंबर्स में से 4 थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, ओके। ये था कंपनी रूल, अभी तक कंपनी रूल कर रही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, करप्शन बहुत ज्यादा होगी। और 1857 में क्या होता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर है या सिन्हा है, एक बार कंफर्म करो यार।
1857 में होती है सिपाही रिबेलियन, सत्येंद्रनाथ टैगोर इट इज, ठीक है हिमांशु करेक्शन कर लेना, इट इज टैगोर, मेरे को भी डाउट में डाल दिया। सिन्हा लिखा है, कहाँ लिखा मैंने लिखा है क्या सिन्हा? मैंने तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। एस एन टैगोर इज द राइट आंसर। अब शुरू होता है क्राउन रूल, क्योंकि 1857 में क्या होता है, 1857 में क्या होता है, सिपाही रिबेलियन है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज कॉल्ड बाय वी डी सावरकर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिपाही पेजेंट्स है ना, जो जो भी एक्सप्लॉइट हुए हैं वो सब इकट्ठे आते हैं एंड दे रिबेल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये मेनली कंसेंट्रेटेड होता है इन नॉर्दर्न पार्ट्स, यूपी में होता है, दिल्ली में होता है, थोड़ा नॉर्दर्न एमपी में होता है, इसी पार्ट्स में कंसेंट्रेटेड होता है, बाकी कहीं नहीं होता, ठीक है। अब इतनी बड़ी रिबेलियन होती है, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन थोड़ा डर जाता है कि कंपनी से नहीं संभालने वाला, इंडिया सबसे वेल्थीएस्ट कॉलोनी हमारी है, इसको हम डायरेक्टली संभालेंगे, ठीक है। इसलिए स्टार्ट होता है क्राउन रूल, क्राउन रूल यानी अब क्वीन देखेगी। 1858 से स्टार्ट होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल 1947 यानी इंडिपेंडेंस तक। फर्स्ट एक्ट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको चेंज कर दिया इनटू वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय, एंड हु वाज फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग, ठीक है। और इसने वो सिस्टम खत्म कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, जो कि बनाए गए थे 1773 एंड 84 में, ठीक है। एंड इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर काउंसिल। ये क्या है, एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है जिसको कौन रिपोर्ट करेगा, वाइस रॉय, यानी वाइस रॉय इसे रिपोर्ट करेगा कि मैंने क्या क्या इंडिया में किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट वॉज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसमें क्या है, वाइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन दिस काउंसिल। अब देखो सबसे पहले इंडियंस कहाँ में आ रहे हैं, 1861 में आते हैं, ठीक है, बट दे कम थ्रू नॉमिनेशन नॉट थ्रू इलेक्शन। 1862 में कौन कौन आता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इट इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हमने देखा है पहले सेंट्रलाइजेशन हुई थी, अब होगी डिसेंट्रलाइज, उल्टा हो गया, अब बॉम्बे और मद्रास को पावर्स वापस दे दी गई, ठीक। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड WFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में है आज के टाइम। इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स। और यहाँ पे स्टार्ट हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो मीन्स मिनिस्ट्री, नॉट पावर, मिनिस्ट्री बांटने की पावर, ठीक है। जैसे आज के टाइम किसके पास है, पीएम के पास में है पोर्टफोलियो, यानी तू संभाल डिफेंस मिनिस्ट्री, तू संभाल एजुकेशन मिनिस्ट्री, राइट, इट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस जिसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने के लिए, आज भी 6 महीने के लिए ही वैलिडिटी है ऑफ ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट एक्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, 1892। इसमें मेंबर्स और बढ़ा दिए गए, ठीक है, इंडियन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया एंड पावर टू डिस्कस बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर टू डिस्कस बजट किसमें आता है, 1892 में आता है, ठीक है। नॉमिनेशन होती है सम ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बाय गवर्नर एंड बाय वाइस रॉय, एंड इसमें प्रोविजन आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर इंडियंस। द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज दो। नेक्स्ट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, AKA मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें मिंटो जो था वो वाइसरॉय था, मोरले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें सबसे पहली चीज होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा देते हैं, फंक्शंस को एलार्ज कर देते हैं, ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम इंडियन को इंक्लूड किया गया इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियन को
इंक्लूड किया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हमने देखा था ना फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम इंडियन कौन आया? अब ये थी कंफ्यूजन वो, हिमांशु, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वेराज फर्स्ट सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्वेंट एस एन टैगोर। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, लॉ मेंबर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा होना है तो वो मुस्लिम्स का ही खड़ा होगा और वोट भी मुस्लिम्स ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। किस में इंट्रोड्यूस किया गया? 1909 में, मोरले मिंटो में। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। दैट्स वाई मिंटो इज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया हिंदू मुस्लिम्स में। ओके, नेक्स्ट एक्ट इज 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इट सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, जिसमें कि बना दिए गए ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। जो ट्रांसफर्ड है वो कंट्रोल करेगा गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर्स, वेराज रिजर्व गवर्नर प्लस काउंसिल। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड डायाकी, डायकी, डायकी इन स्टेट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मीन दो हाउसेज, अपर हाउस लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या था, तीन मेंबर्स आउट ऑफ सिक्स वुड बी इंडियन। इट एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट, 1909 में किसको था? मुस्लिम्स को। 19 में एक्सटेंड कर दिया गया, किसके लिए? सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर बना दिया गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी कर दिया गया, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, जो कि करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, राइट। एंड इट सेपरेटेड फॉर फर्स्ट टाइम सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट 1919 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1927 में यूके में इलेक्शंस होने होते हैं, इलेक्शंस होने होते हैं। अब इलेक्शन से पहले ही वहां के प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो इंडिया में कमीशन भेज देते हैं कि जाओ सिचुएशन को देखो, उस हिसाब से हम रिफॉर्म्स बनाएंगे। अब कमीशन आता है, उसमें जो उनका चेयरमैन था दैट वॉज साइमन, उसके नाम पे कमीशन आया, साइमन कमीशन। अब इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, दैट्स वाई इंडियन प्रोटेस्टेड। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और इसी टाइम किसकी डेथ होती है? लाल लाजपत राय की। ठीक है, सर पे डंडा बजने की वजह से। ठीक है, 1927 में आता है साइमन कमीशन, लाठीचार्ज, बिल्कुल सही। ठीक है, और साइमन कमीशन क्या बोलता है कि डायकी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919, इसे अबॉलिश करो क्योंकि इट इज नॉट दैट इफेक्टिव, और कम्युनल इलेक्टोरेट को खत्म करो, खत्म नहीं सॉरी, एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो। ओके, और इसी के बेस पे एक्ट आता है इन 1935, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड इट इज बेसिस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना इसी पे बेस है, मैक्सिमम 1935 के एक्ट पे। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, तीन लिस्ट बना दी गई, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करंट। आज के टाइम में भी तीन है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करंट, राइट, यही उसका बेसिस है। और जो रेजिड्यूरी पावर्स है, यानी जो तीनों में नहीं है, देवर गिवन टू वाइसरॉय। अब अबॉलिश डायकी, जैसा कि साइमन ने बोला, कर दिया गया। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन सिक्स प्रोविंसेस, टोटल 11 थे, 11 में सिक्स में आ गई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम, बॉम्बे एंड यूपी, दैट इज यूनाइटेड प्रोविंसेस। इट एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए? डिप्रेस क्लासेस के लिए, विमेन के लिए एंड लेबर के लिए। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे, रामजे मैकडोनल्ड पीएम था, वो क्या चाह रहा था कि हम डिप्रेस क्लासेस, दैट इज एससी, शेड्यूल कास्ट को भी हम कम्युनल इलेक्टोरेट दें, यानी वही मुस्लिम्स वाला सिस्टम, कैंडिडेट एससी का खड़ा होगा और एससी के बंदे ही वोट करेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने रख लिया फास्ट अनटू डेथ, है ना। और फिर क्या होता है, फिर होता है पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, क्योंकि तो बी आर अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, और फिर वो मना कर देते हैं, फिर वो मना करते हैं कि हाँ ठीक है चलो, इलेक्टोरेट छोड़ दिया, हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमारी सीट्स बढ़ा दो। ठीक है, रिजर्वेशन बढ़ा दी फिर।
येरवडा जेल, हाँ महाराष्ट्र में है येरवडा जेल, वहां पे गांधी जी थे। और कौन था वहां पे? और कौन था? संजू बाबा, संजय दत्त येरवडा जेल में रखे आए वो। ठीक है। इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1858 एंड ऑल्सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई देखो कब बनता है? 35 वाले एक्ट में बनता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल पीएससी एंड ज्वाइंट पीएससी। प्रोविंशियल पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, पिछले वाले में क्या था? सेंट्रल था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज यानी वोट करने वाला। ठीक है। लास्ट एक्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब क्या होता है? क्लेमेंट एटली था पीएम, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा बाय जून 30, 1948। ठीक है। उस टाइम वाइसरॉय होता है माउंट बैटन, माउंट बैटन प्लान लेके आता है विच वॉज कॉल्ड माउंट बैटन प्लान ऑन जून 3, 1947। उसमें क्या बोला कि दो न्यू कंट्रीज बनेंगी, इंडिया एंड दो न्यू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। कोई भी प्रिंसली स्टेट चाहे किसी को भी ज्वाइन कर सकती है, अगर नहीं चाहती तो वो खुद से अपनी अलग कंट्री बन सकती है। ठीक है। 15, 1947 है ना, टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान। इट अबॉलिश ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, राइट। और क्या बोले गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली चाहिए ना, काइंड ऑफ पार्लियामेंट, वही बनाएंगे। इट अबॉलिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस। ठीक है। और उसकी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए। हो गया। ये देखो 14 अगस्त 1947, 14 को होता है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त, 15 को इंडिया का। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने 14 अगस्त को क्या डिक्लेयर किया हुआ है? क्या क्या? पार्टीशन हॉरर्स डे, पार्टीशन हॉरर्स। ठीक है। यानी पार्टीशन से जो भी नुकसान हुआ, जितने भी लोग मरे, उनके लिए पार्टीशन हॉरर्स डे। ओके। और इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल, राइट। अगर इंडियन की बात करेंगे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो ही वॉज सी राजा गोपालचारी, जिनका नाम राजा जी भी है, सी राजा गोपालचारी। ओके। सो दिस वाज फर्स्ट चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें डिफरेंट एक्ट्स थे और सीरीज ऑफ एक्ट्स जो इवॉल्व होके बने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेस थे कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट चैप्टर इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो हमने देखा बेस, अभी देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या क्या हुआ। ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनती कब है? 46 में बनती है, नवंबर में आसपास बनती है, और उसकी फर्स्ट जो मीटिंग होती है दैट वॉज ऑन 9th of December 1946। ठीक है। और चलती कब तक है? ठीक है। इसमें होते हैं 11 सेशंस, जो 12th सेशन है वो होता है 24 जनवरी 1950 को। ओके। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट इज काइंड ऑफ पार्लियामेंट, आइडिया वॉज गिवन बाय एम एन रॉय इन 1934। सबसे पहले आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु गेव आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? एम एन रॉय। ओके। और 1935 में कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है कि हमें असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इंडियन इंडियन इंडियन। ठीक है। और इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है इन अगस्त ऑफ 1940, बट अल्टीमेटली इसे रिजेक्ट कर दिया बाद में, बिकॉज इसमें डोमिनियन की बात हुई थी। इंडिया बोलता हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? आप हमारे डोमिनियन बनोगे, यानी हमारे अंडर रहोगे। ठीक है। काइंड ऑफ पार्शियली इंडिपेंडेंट। 42 में आता है क्रिप्स मिशन,
जो बोलता है आप अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। 46 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन बेस होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कैबिनेट मिशन इन 1946। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होता क्या क्या है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 389। इसमें से 292 हैं ब्रिटिश इंडिया वाले, 93 हैं प्रिंसली स्टेट्स, 4 हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जैसे आज के टाइम में यूटीज है ना, उस टाइम में होते थे सीसीपी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। कौन कौन से थे? दिल्ली, कूर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेवाड़। ठीक है, दिल्ली पता है, कूर्ग इज इन कर्नाटका, बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान, अजमेर मेवाड़ राजस्थान। ठीक है, और पॉपुले इसकी सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी गई? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड वोटिंग वॉज डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये डिटेल में करेंगे किसी दिन बाद में। ओके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। अब देखते हैं वर्किंग। फर्स्ट मीटिंग होती है 9th of December 1946 को, और सच्चिदानंद सिन्हा इनको बनाया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट। टेम्पररी प्रेसिडेंट सिन्हा, अगेन सिन्हा। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट, एंड एचसी मुखर्जी, कृष्णा मचारी, देवर वाइस प्रेसिडेंट, जीवी मावलंकर ही वो स्पीकर। ओके, अब 13 दिसंबर को क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू एक काइंड ऑफ प्री फेस लेके आते हैं। प्री फेस मीन्स रेजोल्यूशन नहीं, प्रीफेस क्या होता है? एक बुक से पहले प्रीफेस लिखा होता है ना, इस बुक में क्या क्या है, यानी वो इस बुक के मोटिव को बता रहा है, इस बुक में क्या क्या होगा। ठीक है, वो लेके आए, जिसका क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कौन लेके आया? जेएल नेहरू। कब लेके आए? 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या क्या था? ये था काइंड ऑफ बेसिस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी हमारी कंट्री कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी, सोवन होगी, सेकुलर होगी। सेकुलर तो चलो बाद में ऐड किया गया, डेमोक्रेटिक, सोवन, ठीक है, रिपब्लिक, ये सब होगा। ओके, एंड दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन Jan 22 1947। जेल में लिखा था, शायद जेल में लिखा था, उस वक्त जेल में थे। ठीक है, और देखो वेरी इंपॉर्टेंट सम स्टैटिक इन्फो। इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? July 22 1947। नेशनल एंथम 24 Jan 50। नेशनल सॉन्ग 24 Jan 50। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने? 24 Jan 50। तीन चीजें होती हैं 24 जनवरी को 1950। ठीक है, नेशनल एंथम क्या है हमारा? जनगणमन। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। ओके, याद रखना नेशनल फ्लैग वो आ जाता है 47 में, बाकी तीन चीजें आती हैं 50 में, चाहे वो एंथम हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो। 24 जन 1950। टोटल 11 सेशंस होते हैं असेंबली के, जो चलते हैं 2 years 11 months 18 days, यानी 3 साल से 12 दिन कम। ऐसे याद रखना, असेंबली हमारी कितना दिन काम किया? 3 साल से 12 दिन कम, 2 11 18। Okay. अब देखते हैं कमिटीज ऑफ असेंबली। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है। हमारे असेंबली में डिफरेंट कमिटीज थी, है ना, डिफरेंट कमिटीज बनानी पड़ती हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि आप ये चीज देखो, आप ये चीज देखो, है ना। सारे तो एक ही काम कर नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा काम। तो उन्होंने भी ऐसे किया, दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर वर्क। सबसे पहले बनाई यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चेयरमैन अगेन नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, वल्लभ भाई पटेल। जो भी यूनियन की कमिटीज हैं यानी सेंट्रल वाली हैं, उनके चेयरमैन होंगे नेहरू। जो भी प्रोविंसेस से रिलेटेड है उनके होंगे पटेल। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, बी आर अम्बेडकर। मेन रोल इसी का ही था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी यही थी। नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसके थे पटेल। अब इसकी सब कमिटीज हैं, हर एक चीज को आगे डिवाइड किया हुआ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, जे बी कृपलानी, माइनॉरिटीज मुखर्जी,
इसको हमने कैसे याद किया था? फंडामेंटल राइट्स दिए सरकार ने, यानी कृपा कर दी है, कृपलानी, माइनॉरिटीज, एम फॉर माइनॉरिटीज, एम फॉर मुखर्जी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, गोपीनाथ बोर्दलोई, गोपीनाथ बोर्दलोई नाम से पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला नाम है ट्राइबल एरिया। नेक्स्ट इज एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम, ए बी ठक्कर, ठीक है। और लास्ट में एक कमिटी है, इसको कोई चेयरमैन नहीं था। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर कौन देखेगा? प्रसाद देखेंगे, प्रोसीजर प्रसाद, प्रोसीजर फॉलो करोगे तो प्रसाद मिलेगा, ठीक है। स्टीयरिंग कमिटी, अगेन प्रसाद। स्टेट्स कमिटी, नेहरू, ये ध्यान रखना यहाँ पे पटेल नहीं आएंगे, स्टेट्स कमेटी नेहरू, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। जिसने क्या किया? जिसने ही सुपरवाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। एंड इट वॉज सेट अप ऑन 29th ऑफ अगस्त 1947। आज कितनी डेट है? 27, 27, ठीक। इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहले अंबेडकर चेयरमैन, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधव राव, जिन्होंने रिप्लेस किया बी एल मित्तर को, टी टी कृष्णाचारी, जिन्होंने रिप्लेस किया डी पी खैतान को, ये 7 मेंबर्स थे। एक की डेथ हो गई थी, आई थिंक दोनों की डेथ हो गई थी, दोनों की डेथ हो गई थी, दैट्स व्हाई दे गॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। ओके, अब ये रीडिंग्स हैं, रीडिंग्स ध्यान रखने। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन की दो डेट्स हैं, फर्स्ट इज अडॉप्शन, सेकंड इज एनफोर्समेंट। अडॉप्शन वाज ऑन 26 नवंबर 1949, 1949, ये देखो अडॉप्शन डेट। एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ अडॉप्शन नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स एंड अ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस बाय जे एल नेहरू। एंड एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक मींस, रिपब्लिक मींस बोलो, इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड, मोनार्क नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आया। जनता सिलेक्ट करेगी राजा को, उसे बोलते हैं रिपब्लिक। बी आर अम्बेडकर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु, नॉट मनु भाकर, बिकॉज जो मनु थे ना वो काफी मतलब ऐसे फिलोसफीज में, पॉलिटिक्स में काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं ड्यूरिंग एंशियंट मिडेवल टाइम्स, ठीक है। आई थिंक एंशियंट टाइम, नॉट मिडेवल, ठीक है। और वाई 26 जनवरी? बिकॉज 1929 में क्या होता है, 1929 में सेशन होता है इन लाहौर, लाहौर में सेशन होता है, उसमें क्या बात करते हैं कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाएंगे, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसी डे को याद करने के लिए दे सिलेक्टेड 26 जनवरी 1950, यानी 30 साल, 20 साल बाद, पूरे 20 साल बाद मिलती है फिर रिपब्लिक, ओके। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट्स कमिटी, एक्सपर्ट्स जिसके चेयरमैन थे नेहरू, और कौन थे बंदे? आसफ अली, के एम मुंशी, अयंगर, के टी शाह, गडगिल, हुमायूं कबीर एंड के संथनम, ये सब थे एक्सपर्ट्स कमेटी के मेंबर्स, ओके। बाकी क्रिटिसिज्म हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, है ना, वो तो होता ही है, हर चीज का होता है चाहे कितनी भी अच्छी हो। क्रिटिसिज्म हुआ इसमें क्या बोला गया? नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्यों? क्योंकि इसमें लॉयर्स ही भरे पड़े हैं, लॉयर्स भर भर के हैं, और कोई है ही नहीं है प्रोफेशन, है ना। नॉट अ सॉवरन बॉडी, सॉवरन बॉडी क्यों नहीं है? बिकॉज दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट था, हमारा इंडिजीनियसली नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, 2/11/18,
ना, इतना टाइम लगा दिया, क्या कर रहे थे? डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, और कोई पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग नहीं है, हिंदू महासभा के मेंबर्स नहीं है, बहुत से नहीं है, ठीक है? और ये किसने बोला? ग्रानविल ऑस्टिन ने, ये याद रखना है, किसने बोला? डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, किसने बोला? ऑस्टिन। टाइम कंज्यूमिंग किसने बोला? नसीरुद्दीन अहमद। और उन्होंने क्या बोला? ड्रिफ्टिंग कमेटी है, ड्रिफ्ट मार मार के इतना खींच के ले गई, ठीक है? ठीक है, F1 बना दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये किसने बोला? साइमन ने। साइमन को बहुत तकलीफ है भाई इंडिया से, है ना? लॉर्ड विस्काउंट साइमन, क्या बोला इसने? असेंबली क्या है? डोमिनेटेड बाय हिंदूज है, बॉडी ऑफ हिंदूज। विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला? इट रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी, यानी वही सेम हिंदू। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, चर्चिल ने बोला रिप्रेजेंटेड ओनली वन कम्युनिटी। द बैड गाय, बैड गाय था वो। इंडिया इंडिया को अच्छा नहीं समझता था, इंडिया को अच्छा नहीं समझता था। इधर थोड़ी आया था वो, तो उधर अपना ही पीएम था वो, ब्रिटिश, ब्रिटेन का, इंडिया में नहीं आया वो ज्यादा, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एलिफेंट, एलिफेंट था सिंबल या फिर सील ऑफ असेंबली, है ना? जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारा, उसी तरह वही सील भी हमने रख ली, एलिफेंट। सर बी एन राव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, बी एन राव। एम एन रॉय आइडिया ऑफ असेंबली, वेयरएज बी एन राव एडवाइजर। एच आर अयंगर सेक्रेटरी टू असेंबली। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन क्या होता है? ड्राफ्टमैन क्या होता है? आपने वो देखा, जजेस देखे हैं? जजेस के साथ में नीचे वो लोग होते हैं ना जो लिख रहे होते हैं, एक होता है टाइप वाला, एक होता है लिखने वाला, एक होता है स्टेनो टाइप, स्टेनोग्राफर, दूसरा होता है ड्राफ्टमैन, जो जजमेंट्स को, वर्डिक्ट्स को लिखता है, वो ड्राफ्टमैन होता है, ठीक है? आप समझ आए? एस एन मुखर्जी कौन थे? नेक्स्ट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और लंबा नाम है। ये थे कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होता है? जो एकदम सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, ठीक है? इन्होंने लिखा इटैलिक स्टाइल में, इटैलिक स्टाइल में किसने लिखा? रायजादा जी ने, ठीक है? ये ये बाद में हुआ था, बनने के बाद ना, ठीक है? एंड इट वाज ब्यूटीफाइड, डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा। मैंने वो फूल पत्तियां बना दी कॉन्स्टिट्यूशन के साइडों में, ठीक है? बॉर्डर्स बना दिए, जैसे लड़कियां नहीं करती असाइनमेंट्स में वैसे कर दिया, ठीक है? कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन वॉज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड डेकोरेटेड बाय बोस, नंदलाल बोस। इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और 1950 में इंडिया बन गया रिपब्लिक, ठीक है? दिस वॉज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर इज सैलियंट फीचर्स। नेक्स्ट इज सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता क्या है इंडिया के बारे में, ठीक है? सबसे पहले तो इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह से हो सकता है, या तो वो रिटन होगा या वो रिटन नहीं होगा। रिटन जैसा कि इंडिया का है, और यूके का रिटन है क्या? यूएस, यूएस का, यूएस का रिटन है, यूके का रिटर्न नहीं। वर्बल, ओरल, वहां पे ओरल टेस्ट होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है? जो स्पीकर है क्या करेगा? दे डोंट हैव एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? दे मॉडिफाइड टाइम टू टाइम, ठीक है? विद टाइम दे गिव वर्डिक्ट्स, दे गिव न्यू लॉज, उसी तरह मॉडिफाई होता रहेगा, ठीक है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फाइल शेयर कर दी?
395 आर्टिकल्स, प्रेम बिहारी की राइटिंग, ओके, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, ये कब थे? ड्यूरिंग 1950, 26 जनवरी 1950 को कितने आर्टिकल्स थे? 395, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, ठीक है? आज के टाइम में कितना है? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बड़ा क्यों हो गया? इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या जरूरत थी? बिकॉज एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि इसका बेसिस था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए हैज डबल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर का अलग, स्टेट्स का अलग, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, मैंने बताया जैसे कि लॉयर्स थे भरे पड़े हुए, अब लॉयर्स की आदत है क्या सीधा बोलने की? नहीं है, हर चीज को घुमा फिरा के लिखेंगे, एक लाइन लिखनी होगी वो 10 लिखेंगे, ठीक है, ये भी एक रीजन था। इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये देखते हैं आगे कौन कौन से कहाँ कहाँ से आया, ठीक है। इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करिए आप अपनी मर्जी है, इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है, कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा इजी है, कुछ एक प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी टफ टू चेंज, कुछ एक है जो काफी इजी है, ठीक है, एग्जाम्पल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स इन सेंटर देन यूनियन देन लोकल रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत म्यूनिसपैलिटीज, ठीक है, दैट इज फेडरलिज्म। इंडिया में क्या है? ये सब है, सेंटर स्टेट्स पंचायत म्यूनिसपैलिटीज तो हैं, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास में है? ऑब्वियसली सेंटर के पास में, दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी सेंटर की तरफ ज्यादा झुकाव है, ज्यादा पावर उनके पास में। अब कौन कौन सी फीचर्स हैं जो बताते हैं कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, एमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल होती है ना, यू ऑल आर इंडियंस, ऐसा तो है नहीं कि यू ऑल आर पंजाबी, हरियाणवी, केरलाइट, ऐसा कुछ नहीं है ना, यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में आप अमेरिकन भी हो एंड यू आर कैलिफोर्नियन ऑल्सो, फ्लोरिडा के बंदे भी हो, वैसे डिफरेंट स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप है, ठीक है, अलास्का, अलास्का बोल सकते हो, रागा चैलेंज हो दिस, उन्होंने क्यों चैलेंज कर दिया, वो क्या चाह रहे हैं कि मेरे को वायनाड की चाहिए, केरला की सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया, व्हाट इट सेज, इट सेज इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इट मींस इंडिया से स्टेट्स हैं ना कि स्टेट से इंडिया। अब यूएस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे टोटल 50 स्टेट्स हैं, है ना, सारी एक साथ आई उन्होंने अमेरिका बना दिया, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया से स्टेट्स बनी है ना कि स्टेट से इंडिया, इंडिया में ऑपोजिट है, यूएसए में अगर कोई स्टेट चाहे तो वो टूट सकती है, बाहर जा सकती है ना, अगर फ्लोरिडा बोलेगी ना तो अलग कंट्री बनना तो बन सकती है वो, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर पंजाब बोलेगा मेरे को अलग बनना है, बने देंगे क्या? कौन निकलने देने का, वैसे बता रहा हूँ कि निकल सकते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है ना, सारी पावर सेंटर के हाथ में है, उसको ब्रेक करना है, चेंज करना है, खालिस्तान तो चलो अलग ही चीज है ना, रिलीजन भी नहीं, रिलीजन क्यों, पंजाब में काफी सारे रिलीजन हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, खालिस्तान का थोड़ा अलग ही यार, थोड़ा फ्लॉड सिस्टम है, क्योंकि इंडिया से ज्यादा बड़ा पंजाब तो पाकिस्तान में है ना, मेजोरिटी पंजाब तो पाकिस्तान में है,
पाकिस्तान से थोड़ी मांग रहे हैं। अब पता है अगर पन्नू पंजाब पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान वाले क्या करेंगे उसके साथ, है ना? होती रहेगी, चलता रहेगा सिस्टम। सी इंडिया, इंडिया को डिस्क्राइब किया हुआ है डिफरेंट पर्सन्स ने एज फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वाजी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किस किस ने बोला ये? ग्रानविल ऑस्टिन। दोबारा आ गया है ऑस्टिन। क्वाजी फेडरल, हाफ फेडरल। क्वाजी मीन्स हाफ, नॉट काजी। ये काजी नहीं है, ये क्वाजी है, ठीक है? ये वाले काजी नहीं है, दिस इज क्वाजी फेडरल। ग्रानविल ऑस्टिन पहले भी बोला था ना इसने असेंबली के बारे में, क्या बोला था? नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस। बोला था इसने, बोला था इसने, इसने बोला था बाय ग्रानविल ऑस्टिन। मेरे को भूल कर देखना पड़ेगा। फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, किसने बोला? आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री, है ना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पीएम है, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, टू हाउसेज हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे ज्यादा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज सिमिलर टू यूके के गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री। ओके, यानी पावर किसके पास? पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिर्फ पीएम नहीं, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ इधर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव अडॉप्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, मींस टू हाउसेस एंड मेजोरिटी पावर इज विद पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर जगह है जहां पे यूके के पार्लियामेंट इस वक्त है। और इसके फीचर्स क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेजिडेंट, यानी नाम का एग्जीक्यूटिव। रियल कौन है? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मेजोरिटी पार्टी रूल, जिसकी ज्यादा सीट्स उसका रूल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के लिए, यानी अकाउंटेबिलिटी है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा खत्म हो सकता है, राज्यसभा कभी नहीं हो सकता। लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम, पीएम सेंटर में, सीएम स्टेट्स में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब देखो, लॉस कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो अब उसे कौन देखेगा? जुडिशियरी। जुडिशियरी उसे अपनी पावर यूज करके खत्म कर सकती है, ठीक है? इट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमारी जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं है डिवाइड नहीं हो रखी, स्टेट के अलग सेंटर के अलग, इंटीग्रेटेड है वो। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, अपनी नहीं चला सकते वो। एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है वो, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती जुडिशरी का, ठीक है? वो भी नहीं कर सकती कुछ भी अनटिल अनलेस वो वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट्स टू सिटीजंस एंड ऑल्सो फॉर एलियंस। एलियंस यानी फॉरनर्स, नॉट एलियंस, जादू। ठीक है, रोहित बटन दबाएगा जादू आ जाएगा। नेक्स्ट इज डीपीएसपीज। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर फॉर सिटीजंस, वेयर एज डीपीएसपीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अ स्टेट, ठीक है? यू हैव टू मेक पॉलिसीज व्हाइल कीपिंग इन माइंड दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है? दे आर डीपीएसपीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीपीएसपी को बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? नॉवल फीचर्स, नॉवल फीचर्स, यानी बहुत ही जरूरी है ये, ठीक है, फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री।
फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन्स की ड्यूटीज, सिटीजन्स को क्या क्या करना चाहिए, एंड दे वर नॉट ड्यूरिंग अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. ठीक है, इंडिया इज सेकुलर स्टेट. सेकुलर क्या होता है, व्हाट इज सेकुलर? एवरी रिलीजन इज इक्वल. ठीक है, गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन के लिए बायस नहीं होगी. ठीक है, काम करेगी तो सभी के लिए करेगी, अदरवाइज एक के लिए भी नहीं करेगी. इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, वेयर एज पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर रखा है कि पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री. इंडिया में ऐसा नहीं है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18+ हो आप, यू कैन वोट. ठीक है, आप वोट कर सकते हो, यू हैव राइट टू वोट. और इस एज को कब कब किया गया, बाय 61st अमेंडमेंट 1988. सिंगल सिटीजनशिप बता दिया मैंने, 88, 89 में प्रोविजन आता है, एक्ट आता है 88 में. ठीक है, 89 में लागू होता है. नहीं, दो तरह के कॉन्सेप्ट है ना. एक होता है सेकुलर, जो रिलीजन से बिल्कुल ही सेपरेट है. फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, फ्रांस क्या करता है, चर्चिस को बोलता है कि भाई आप अपना चलाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे. दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिटी. ठीक है, इंडिया का अलग कॉन्सेप्ट है, इंडिया ने इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया. इंडिया ने क्या बोला कि अगर कोई रिलीजन, उसमें कोई गड़बड़ होती है या फिर उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जो उनके लोगों को हार्म कर रहा है, तो उसमें वो पैर रख सकता है, उसको चेंज कर सकता है. एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन किया ना, बैन किया है, चल रहा है अभी कि नहीं, कर दिया है ना. अभी यूसीसी बोल रहे हैं यूसीसी लाना है. तो इंडिया इंटरफेयर कर सकता है, बस वही है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो नहीं छेड़ेगा वो. ठीक है, और इंडिया ने इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है. अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज कर रहा है तो उसके लिए सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट. उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी. ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट बॉडी. इंडिपेंडेंट बॉडी, वी हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंट बॉडीज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कंट्री के बुलवर्क्स हैं, यानी पिल्लर्स हैं, स्तंभ हैं. दे आर इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट. ये चारों बुलवर्क्स यानी पिल्लर्स हैं. इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कैग क्या करेगा, जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है उसको देखेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, ऑडिट करेगा. यूपीएससी क्या करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, है ना. सुप्रीम कोर्ट जस्टिस प्रोवाइड करेगा, एडजुडिकेशन करेगा. ये हैं चार बुलबॉक्स. नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजन. इंडिया में तीन तरह से इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं. ठीक है, और ये मैक्सिमम टाइम कहाँ लगी है, यूपी में. यूपी में नेशनल इमरजेंसी इंडिया में तीन बार लग चुकी है, 62, 71, 75. 62 में इंडो चाइना वॉर, 71 में पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान. 75 में इंदिरा गांधी जी की मेहरबानी. ठीक है, उनका दिमाग टनका, बोलती मेरे हाथ से पावर जाने वाली है, उड़ा लो सभी ऑपोजिशन वालों को, एमरजेंसी लगा दो. ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस. क्या चीज, मणिपुर बोल रहे हो? चेक कर लो एक बार, लेटेस्ट चेक कर लो, मे बी मणिपुर हो सकता है. देख लो एक बार, चेक क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है, थ्री टीयर गवर्नमेंट है इंडिया में. इंडिया है थ्री टीयर गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट एंड लोकल. लोकल में क्या आएगा, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज उसमें नहीं थे. किसमें, क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं? हाँ, अब वो अलग चीज है, वो करते हैं, वो करवा देंगे. वो भी 73rd, एंड मैंने एक फोटो डाल दी थी ग्रुप में, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आए हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं बाय 97th अमेंडमेंट 2011, एग्जांपल अमूल. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म हुआ है ना, सम सेड कि इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, हॉज पॉज कॉन्स्टिट्यूशन,
बैग ऑफ बोरिंग्स है ना, इट इज अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। पी आर देशमुख उन्होंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विद एडिंग फ्रेंचाइज, बस फ्रेंचाइज ऐड किया, बाकी सारा 1935 टेप दिया। इसने बोला, देशमुख ने बोला, एंटी इंडियन। के हरमनथिया ने बोला एंटी इंडियन। लोकनाथ मिश्रा ने क्या बोला, इमिटेशन ऑफ वेस्ट, अनगांधियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन हनुमंथैया। ठीक है, टी प्रकाशम उन्होंने क्या बोला, अनगांधियन इसलिए है क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे उनकी आइडियोलॉजी गांधी जी का ऑपोजिट थी, दैट्स व्हाई ही मेड अनगांधियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर एंटेगोनिज्म टुवर्ड्स, और यूपी में एलिफेंटाइन साइज, एचपी कामत, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, यानी लॉयर्स के लिए तो जन्नत है यार, भर भर के उन्होंने ठीक पाया आपने। ठीक यूपी में कितनी है, नेक्स्ट देखते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से कौन से प्रोविजन आए हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या क्या आया है, फेडरल स्कीम यानी डिवीजन ऑफ पावर्स, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशियरी, पीएससी। ओके, तो आंसर इज मणिपुर, मैक्सिमम टाइम से मणिपुर, अपडेट कर लेना। इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, आर्टिकल 32, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाय कैमरलिज्म यानी टू हाउसेस। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया, यूएस से आया, राइट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यूएस। जुडिशियल रिव्यू, यूएस। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए से आया। ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीएसपीज फ्रॉम आयरलैंड, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, आयरलैंड, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब दो चीजें हैं, कैनेडा ऑस्ट्रेलिया, जहां पे कैनेडा आ गया वहां पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग सेंटर की, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे वहां पे बात करेंगे फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर्स। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडोरी पावर्स विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, इस बात पे लफड़ा होता है ना, गवर्नर स्टेट, हर स्टेट में गवर्नर है लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। अब गवर्नर और स्टेट्स के बीच में लफड़ा होता है, एग्जाम्पल केरला में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है, यानी जहां पे भी सेंटर के ऑपोजिट गवर्नमेंट है वहां पे क्या है, लफड़ा ही लफड़ा। ठीक है, होगा ना, चलता रहता है, केरला की न्यूज आती रहती है, तमिलनाडु की आती है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से आए हैं, कैनेडा से आए हैं। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से आया कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग कहां से, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सबसे पहले तो ये कि वीमार कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, जर्मनी का है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, जर्मनी, हिटलर, हिटलर से याद रख लेना, हिटलर क्या करता है, राइट्स को सस्पेंड कर देता है ना। नेक्स्ट इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूएसएसआर, जो आज का टाइम रशिया। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड, तीन ही है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ऊपर नॉमिनेशन थी, नॉमिनेशन जो कि आयरलैंड से आया, यहाँ पे है इलेक्शन जो कि साउथ अफ्रीका से आया। लास्ट इज जापानीज, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, दो तरह से चीजें होती हैं, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है, ना इधर ना उधर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हम प्रोसीजर भी देखेंगे बट एथिक्स भी देखेंगे,
है, देखेंगे हम एथिकल है या नहीं, ठीक है। यूएस इंडिया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, राइट्स यूएस, ड्यूटीज रशिया, डीपीएसपीज आयरलैंड, ठीक है। एआईएमआईएम ये क्या चीज है? ये ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजली से इतिहाद दो दिल मुझे पता नहीं क्या है, ऐसे कुछ है, ठीक है। सो दिस वाज सैलियंट फीचर्स चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इज प्रियम्बल। ठीक, ये रहा हमारा प्रियम्बल, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अभी देखते देखते। एक तो सीक्वेंस, हमारे प्रियम्बल में वर्ड्स का सीक्वेंस क्या है, कौन कौन से वर्ड्स एट टाइम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, कौन से नहीं थे, ठीक है, और इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इंटेग्रिटी। ये सीक्वेंस में याद रखना है, सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी देखो एस एस सी डी आर, एस 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 डी आर, देन जे एल ई एफ, और क्या दिया हुआ इसमें, अडॉप्शन डेट 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। सबसे पहले प्रियाम्बल किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, ठीक है। प्रियाम्बल बताता क्या है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या क्या वैल्यूज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। एन के पालखीवाला, ही कॉल्ड प्रियाम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईडी कार्ड है, प्रियाम्बल दिखाओ असेंबली में जाओ, ठीक है। प्रियाम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज मूव बाय नेहरू, जेल नेहरू, एंड इट वॉज अमेंडेड वंस व्हेन इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट, एंड थ्री वर्ड्स वर एडेड, एस आई एस सोशलिस्ट इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर, 76 में ऐड किए गए ये तीन वर्ड्स, ओके। क्यों ऐड किए गए, बिकॉज ड्यूरिंग 1970s बीजेपी का राइज शुरू होता है, एंड व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, हिंदुत्व हिंदू राज, ठीक है। अब क्या होता है, सोसाइटी स्टार्टेड टू डिवाइड, है ना, हिंदू इस साइड मुस्लिम इस साइड, सारी कम्युनिटीज डिवाइड होने लग पड़ी। अब इसको देखते हुए इंदिरा गांधी अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सेक्युलर, यानी इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। शी एडेड सोशलिस्ट, इंडिया विल वर्क फॉर वेलफेयर इंटेग्रिटी, वी आर यूनाइटेड, हम सब एक साथ हैं, है ना, ये तीन वर्ड ऐड कर दिए गए, ओके। अब देख लेते हैं इन वर्ड का मतलब क्या है। फर्स्ट इज सोवन, सोवन मीन्स इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया किसी के अंडर काम करने नहीं कर रही है, इंडिया इज सोवन, यानी इंडिया इंडिपेंडेंट है। बट व्हेन आई आस्क इज इंडिया एब्सोल्युटली सोवन, देन एब्सोल्यूट सोवन नहीं है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस हैं, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है, वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर, है ना। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको इन पैरामीटर्स में करना पड़ेगा, है ना। मानता है भाई, क्यों नहीं मानता, मानता है भाई। नहीं, इन्फ्लुएंस ज्यादा यूएस का है, लेकिन सारे मानते हैं, किसको नहीं हटा सकता, रशिया भाई छोटी कंट्री थोड़ी है, नहीं। रशिया ठीक है, स्ट्रांग कंट्री है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इंडिया इज सॉवन बट नॉट एब्सोल्युटली सोवन, कोई भी नहीं है आज के टाइम में, कोई भी नहीं है, है ना। क्योंकि मैंने क्या कराया था, यूएन क्लॉज कराया था एक, ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, उसमें क्या लिखा है कि हर एक कंट्री की बाउंड्री कितनी है, 220 नॉटिकल माइल्स, उससे ज्यादा किसी की नहीं है, है ना। उस बाउंड्री तक ही कोई एक्सप्लोरेशन कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, वो सभी को मानना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, है ना, तो मुर्गा बनाएंगे यूएन क्लॉस वाले। हाँ, चाइना नहीं मानता,
अब चाइना क्योंकि पावरफुल इकोनॉमी बन चुका है तो वो अपनी मनमर्जी करता है, होता है ना, जिसके पास ज्यादा जोर आ जाए तो वो लड़ाई के लिए उछलता है, चाइना वैसा है। ये तो नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड इट वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या होता है? वेलफेयर करना। सोशलिज्म इज ऑल अबाउट वेलफेयर, ठीक है। सेक्युलर, सेक्युलर एडेड बाय अगेन 42nd। सेक्युलर सभी को पता है क्या होता है। डेमोक्रेटिक यानी पावर इज किसके पास है? पावर इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, सही है ना। डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल या डेफिनेशन यही पढ़ी स्कूल में, बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। दो तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट लोग लॉ बना रहे हैं। एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, वहां पे क्या होता है, अगर मान लो कोई एमपी अच्छे से काम नहीं कर रहा, लोग क्या करेंगे, इकट्ठे होंगे, रेफरेंडम डालेंगे, चल बाहर, वो बाहर हो जाएगा। अगर लोगों को कोई लॉ चाहिए, उनको लग रहा है कि नीड है अभी, तो क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे सारे मिलके, पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा, ऐसा वहां पर, ठीक है, ऐसा होता है वहां पर। इंडिया में इनडायरेक्ट है, इंडिया में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड, बता दिया, राइट। जस्टिस तीन तरह से होता है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड इट वाज टेकन फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। लिबर्टी, लिबर्टी यू हैव फ्रीडम टू डू एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, यू हैव सम कंस्ट्रेंट, कुछ भी कर सकते हो क्या, कुछ नहीं कर सकते। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये है लिबर्टी। एंड इट वॉज टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस। देन वी हैव इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? ब्रदरहुड, भाईचारा। आजकल तो बहुत बड़ा हुआ है, ऑनलाइन मारने को आते हैं सब एक दूसरे को, है ना। प्रियम्बल एम्बॉडीज फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है। अब इस प्रियम्बल को क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसिज्म हर कहीं हो रहा है, बीट असेंबली, बीट कॉन्स्टिट्यूशन, बीट प्रियम्बल, बीट फंडामेंटल राइट्स, बीपीएसपीज, ठीक है। क्रिटिक्स हर कहीं है, हर कहीं। इसलिए कुछ भी करना है क्रिटिक्स पे ज्यादा ध्यान ना दो, जो करना है करो, वो बोलते रहेंगे, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। फर्स्ट इज अय्यर, नॉट बबीता वाला अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या बोला, प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट फॉर सो लॉन्ग। इन्होंने अच्छा बोल दिया, इन्होंने अच्छा बोल दिया। के एम मुंशी, इन्होंने क्या बोला, प्रियम्बल इज होरोस्कोप ऑफ आर सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप क्या होता है? राशि फल वगैरह, दैट इज होरोस्कोप। पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या बोला, इट इज मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा अच्छा बोल रहे हैं सभी तो। ये अच्छा वाला है। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बार्कर, ही सेड प्रियम्बल इज की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। अगर आप ऐसे जाओगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई प्रियम्बल में तो लिखा हुआ है कि सेक्युलर है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने तो मेरे साथ भेदभाव किया, दूसरे रिलीजन वाले को ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर दी, मेरे को नहीं प्रोवाइड करी। अगर इस बेसिस पे आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट तो बोलेंगे भाग जाओ, भाग जाओ वहां से, बाहर से भी पता, गेट के अंदर नहीं आ रहे। अगर प्रियम्बल को बेसिस बना के जाओगे, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, ठीक है। तो दिस वॉज प्रियम्बल। आगे वाले वर्ड साइलेंट है।